से मैं मिल रहा हूं और सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सर दीपावली बधाई दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं और कल के बारे में आश्वस्त भी कर रहे हैं। सर वहीं पर अगर हम बात करें कितना टारगेट लेके चल रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं काफी, आप तो कितना नंबर लेके चल रहे हैं? इस समय 75 पार है, 75 सीट हम जीतेंगे। क्या आपको लग रहा है कि पाटन में जहाँ से आप लगे कोई ट्रैवलर फाइट भी होने वाला है? यहाँ कोई फाइट नहीं है, यहाँ सब मामला एक तरफा है। वहीं पर अगर हम बात करें ईडी को लेके, आपको बीजेपी पूरी तरीके से घेर रही है, अनुराग ठाकुर कल आए थे, उन्होंने बोला है कि आप पे केस होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी लगातार सवाल उठाए रहे हैं आप। ये तो पूरा उन्हीं के लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, क्योंकि जो पकड़ा गया वो भाजपा कार्यकर्ता था और जो गाड़ी पकड़ी गई वो पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के भाई बृजमोहन अग्रवाल की गाड़ी, उनकी कार्यकर्ता, उनका पैसा भी उनका, और ये तो पूरा छत्तीसगढ़ सरकार के या मुझे बदनाम करने के लिए सब कहानी गढ़ा गया है। जनता इसमें विश्वास नहीं कर रही है। सर रिकी सिंह का एक वीडियो वायरल चल रहा है, उसमें वो बोल रहा है कि अमित शाह का पैसा ले जाने का काम रमन सिंह करते हैं। हाँ, तो वीणा सिंह के बारे में बोला है, वो अमित शाह के बारे में बोला है। ईडी का जाँच करना चाहिए ना, जब वीडियो आया हुआ है उस जाँच करना चाहिए। और उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में तोमर के वो 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें जांच कब करेगी ईडी? तो ईडी जो है सिलेक्टिव काम कर रही है, उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गृह लक्ष्मी जो स्कीम जो आपने लास्ट मिनट पे जो आपने अनाउंसमेंट किया है, क्या सोच के किया सर वो? तो भाई लक्ष्मी पूजा के दिन ही गृह लक्ष्मी कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है, हमने घोषणा की है, तो सही समय में सही कदम उठाया हमने। असल लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ से एग्जिट कर देगी, कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, क्यों आपको ऐसा क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा है कि अब प्रधानमंत्री कार्यक्रम हो गया, इसके बाद वो झांक के नहीं देखेंगे छत्तीसगढ़ को, क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। उनका केवल नजर है छत्तीसगढ़ के खदानों पर, यहाँ के प्लांट पर, जो अपने मित्र अडानी को देना चाहते हैं। उनका स्वार्थ केवल इतना है और इसी कारण से इतना आक्रामक और प्रायोजित जो आरोप लगाए हैं, उसका कारण यही है कि वो भूपेश को बदनाम कर सके, सरकार को बदनाम कर सके और भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, ताकि अडानी को वो सारे खदान और प्लांट दे सके। सर एक समय बस क्रिकेट पे सर ये